एस्ट्रो लवर्स, शिमारू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं दूसरी एक्साइटिंग मूवी कौन सी आ रही है दिवाली पे। सेकंड मूवी मेड इन चाइना, नाम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ी सी स्टोरी लाइन सुन लेते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसी है कि एक बिजनेसमैन इंडिया से अपना लक आजमाने के लिए चाइना जाता है और कुछ इंटरेस्टिंग फनी चीजें उनके साथ होती है चाइना में। क्या क्या होता है जरूर देखिएगा। ये तो रही कुछ स्टोरी के बारे में, मूवी के बारे में, पर इस मूवी का लक कैसा होगा, क्या कहती है न्यूमरोलॉजी और क्या कहता है टैरो का, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले मूवी का डेस्टिनी, हाउ इज दिस मूवी गोइंग टू फेयर। डेस्टिनी नंबर 9 यानी स्टेबिलिटी, यानी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, एनालिटिकल एनर्जी, बहुत सारे फन के साथ बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी क्रिएटिविटी करने की कोशिश होगी इस मूवी में, बहुत सारे इमोशंस और कॉमेडी को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। सेकेंडली हार्ट्स डिजायर नंबर 7, स्पिरिचुअल कनेक्शन एज इन कनेक्शन विद सेल्फ, कैसा भरोसा है इस इंसान पे, इस कैरेक्टर को अपने आप पे, ये कैरेक्टर क्या क्या अपने आप पे आजमाने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। लक डेफिनेटली भरोसा करता है वो अपने लक पे, और लक डेफिनेटली इस मूवी को सपोर्ट करेगा। फाइनली पर्सनैलिटी, ये मूवी बहुत ही एक एम्बिशियस मूवी है, बहुत ही एक ऐसी मूवी है जो अपने आप में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा, कुछ आउट ऑफ द वे जाके आउट ऑफ द बॉक्स दिखाने की कोशिश करेगा, फन क्रिएट करने की कोशिश करेगा विद इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड के द्वारा क्या कहते हैं कार्ड। कार्ड नंबर 1 मैजिशियन, कार्ड नंबर 2 चैरियट, कार्ड नंबर 3 5 ऑफ गैब्रियल। मैजिशियन एज इन कुछ सेक्टर के लोगों को ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, दे विल फील एज इफ कि वो शायद अपनी लाइफ की स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जैसे लोगों को लगेगा अरे हमने भी ये करने की कोशिश की थी, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा अरे उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। सो दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। सेकेंडली टाइम ट्रैवल, कई लोगों को लगेगा अरे हमें भी ऐसा करना चाहिए था, कई लोगों को लगेगा अरे हम ये कर चुके हैं। सो दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड सेज। फाइनली दिस मूवी में बहुत सारे क्रिएटिव न्यू एजेस आप देख पाओगे, कुछ हटके करने की कोशिश आप डेफिनेटली देख पाओगे। सो देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग बैलेंस ऑफ कॉमेडी विद मैसेज। अब फाइनली हम जानते हैं कि इस मूवी में अपने जो स्टारकास्ट है, दैट इज़ मौनी रॉय एंड राजकुमार राव, उनके लिए ये मूवी क्या करेगा, कैसे क्लिक करेगा, उनकी जो करियर है करियोग्राफ के हिसाब से कैसे होगी। फर्स्टली डेस्टिनी नंबर ऑफ मौनी रॉय इज़ नंबर 4, यानी वो बहुत बैलेंस्ड है, बहुत स्टेबल है। तो उनका एक कैरेक्टर जो है she will try to give out a message जो आप तक पहुँचेगा, she will try to balance her co-star, बहुत ही supportive number है उनका, उनका जो character होगा कुछ ऐसा ही होगा, supportive, interesting, बहुत inputs वो देने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा एक notch ऊपर उनका शायद character लेके जाएगा movie को। बहुत सारे सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में आप मौनी रॉय को डेफिनेटली देखेंगे। अब जानते हैं कि टैरो कार्ड के द्वारा क्या कहते हैं कार्ड उनके रोल के बारे में। टैन ऑफ एरियल एज इन उनका जो कैरेक्टर होगा बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर वाला कैरेक्टर होगा, बहुत ही लविंग सपोर्टिव, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे उनको एक कंट्रोल लेते हुए, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए, जहाँ पे ज़रूरत है उनका थोड़ा स्टर्न होना वो स्टर्न हो जाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत है होना उनका प्लेफुल होना वो प्लेफुल हो जाएंगे। तो एक वेरी इंटरेस्टिंग बैलेंस्ड कैरेक्टर आपको नज़र आएगा, बहुत ही लवली प्लेफुल कैरेक्टर जिससे आप डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखते हैं राजकुमार राव का डेस्टिनी नंबर क्या है। राजकुमार राव का डेस्टिनी नंबर है नंबर 11, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, क्योंकि वो दर्शाता है कि इमोशनली कैसे एक इंसान स्टेबल रहता है। कई बार नंबर 11 एज व्हेन यू एड इट अप इट कम्स टू 2, विच इज़ द नंबर ऑफ इमोशंस। नंबर ऑफ 11 ऑन द होल इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ इमोशंस।
एज अ बैलेंस बनाए रखना। जहाँ पे इमोशंस दर्शाने की जरूरत है वहाँ पे दर्शाओ, जहाँ पे स्टर्न रहने की जरूरत है वहाँ पे स्टर्न रहो, जहाँ पे आपको किसी को हंसाने की जरूरत है वहाँ पे कॉमेडी टू अ लेवल जहाँ पे लोगों को समझ में आए, डाइजेस्ट हो। सो अ वेरी बैलेंस्ड नाइस फन कैरेक्टर। अब देखते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में। कार्ड इज पीस एंड सिक्स ऑफ गैब्रियल। पीस यानी आप जब इनका कैरेक्टर देखोगे वो आपको स्ट्रेस नहीं देगा कि अरे क्या हो गया, इंडिया से चाइना चला गया, हो रहा है काम नहीं हो रहा है। बहुत ही लाइट हार्टेड फन एक्टिविटीज के साथ वो दिखाया जाएगा। बट एट द सेम टाइम उनकी ट्रैवल, उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने अचीव की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही लाइट हार्टेडली, पीसफुली, जितना डाइजेस्ट हो सके, जैसे डाइजेस्ट हो सके वैसे दिखाया जाएगा। सेकेंडली, ये कैरेक्टर बहुत ही क्रिएटिविटी, बहुत ही एक कुछ अलग तरीके से सेम चीज़ करना, आउट ऑफ द बॉक्स जो हम बोलते हैं, वो एटीट्यूड के साथ आएगा। तो ये तो रहा हमारे हीरो हीरोइंस के बारे में, मूवी के बारे में। पर चलिए आइए आप देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस में ये मूवी कैसे फेयर करेगा, क्या ये जेन्युइनली अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर पाएगा। चलिए आइए पूछते हैं टैरो कार्ड से। द एम्परर, नाइन ऑफ एरियल एंड फोर ऑफ एरियल। एम्परर यानी डेफिनेटली दिस मूवी विल ओन द स्टोरी, ओन जो भी आप देखने जाते हो मूवी को, जितनी भी जनता जाती है वो डेफिनेटली जनता को ओन करने की कोशिश करेगी। जनता को डेफिनेटली एक कनेक्ट महसूस होगा कि हाँ यार, एक जेन्युइन स्टोरी है जो डेफिनेटली कनेक्ट हो पाते हैं हम। सेकेंडली, कई लोगों को ये मूवी देख के ऐसा लगेगा अरे वाओ, ड्रीम फुलफिल करने के ऐसे भी तरीके होते हैं। जो लोग रोते रहते हैं अरे हमने ऐसा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम बाहर नहीं जा पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, एक उनको एज मिलेगा कि अरे हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम चीज़ों को अलग से, कुछ हटके नज़रिए से देखेंगे तो शायद हम भी कुछ और कुछ डिफरेंटली कर पाए। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विद अ नाइस कॉमेडी, लाइट हार्टेड ट्विस्ट। अब फाइनली एग्जाम टाइम, डेफिनेटली हमारे क्रिटिक्स क्या कहते हैं हमारे मूवी के बारे में। चलिए आइए देखते हैं टैरो कार्ड के द्वारा। सबसे पहला कार्ड है फोर ऑफ प्रोफाइल, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ गैब्रियल एंड थर्ड कार्ड है पेज ऑफ प्रोफाइल। सो पेज ऑफ प्रोफाइल दर्शाता है यंग एनर्जी, एक ऐसे इंटरेस्टिंग एनर्जी जो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, कुछ नया ट्विस्ट लाना चाहता है। नाइट यानी ट्रैवल, ट्रैवल विद समथिंग डिफरेंट, ट्रैवल विद समथिंग क्रिएटिव, ट्रैवल विद अ ज़ील कि मैं कुछ और करूँगा, कुछ डिफरेंट करूँगा, कुछ नया ट्राई करूँगा। एंड फाइनली द फोर ऑफ प्रोफाइल, फोर ऑफ प्रोफाइल एक ऐसा कार्ड है जो पॉसिबिलिटीज दर्शाता है। सो क्रिटिक्स जो हमारे हैं वो डेफिनेटली स्टोरी की जर्नी से कनेक्ट कर पाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज से कनेक्ट कर पाएंगे। मे बी नॉट सो हैप्पी विथ द काइंड ऑफ कॉमेडी, बट डेफिनेटली दे विल बी वेरी हैप्पी विद द स्टोरी लाइन एंड द वे इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस। सो डेफिनेटली गो एंड सी दिस अमेजिंग जर्नी, एक डिफरेंटली कैसे आप अपनी लाइफ को देख सकते हैं, डिफरेंटली कैसे चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये मूवी से आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये मूवी दर्शाती है। सो डेफिनेटली प्लीज़ डू गो सी दिस मूवी। आप देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स। पूरे वीडियो देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, अमेजॉन फायर स्टिक पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, एयरटेल डीटीएच पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और डीटूएच पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया चैनल।